हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर 12। इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था वीडियो में, है ना? वीडियो में नहीं, सॉरी, जूम डाइव क्लास की थी अपन ने। उस टाइम मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा कुछ बताया था, ठीक है? कैमरा गिर गया, जस्ट वन सेकेंड। तो कुछ ऐसा कुछ बताया था, क्या बताया था देखो ध्यान से, लाइट ऑन कर देते। तो क्या था, जैसे कोई भी ट्रायंगल है ना, वो ये ट्रायंगल है, चलो दोबारा से बना देता हूँ, ये ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में अगर अपने को तीनों साइड इसके गिवन है, ए बी सी, ठीक है, तो अपन इसका एरिया निकाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं अपन हीरोंस फॉर्मूला, ठीक है? तो हीरोंस फॉर्मूला से इसका एरिया अपन आराम से फाइंड कर सकते हैं। कैसे है, तो सबसे पहले अपन उसमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है हीरोंस फॉर्मूला में। तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू, मतलब तीनों साइड का सम और डिवाइड बाई टू कर देंगे तो अपना सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है? फिर बात करते हैं अपन इसमें जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये अपना फॉर्मूला था, और इस फॉर्मूला का यूज करके अपन एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है? तो चलो, जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ, तो जैसे मैं बोलूँ कि एक ट्रायंगल है जिसकी साइड 6, 8 और 10 है, उसका एरिया अपने को निकालना है हीरोंस फॉर्मूला का यूज करके। तो सबसे पहले अपन सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, उस वो क्या बोलता है, तीनों साइड का सम डिवाइड बाई टू। तो ये 6 और 8 14, और 10 कितना हो गया 24, को तो डिवाइड बाई टू करेंगे तो अपना आ जाएगा 12। तो 12 अपना आ गया सेमी पेरीमीटर। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो पता ही है अपने को, एस लिखा, फिर एस में से फर्स्ट वाली साइड माइनस कर दो, फिर एस में से दूसरी साइड माइनस कर देंगे, एस में से तीसरी वाली साइड माइनस कर देंगे। चलो अब इसको सोल्व कर देते हैं, ठीक है? तो करते हैं सोल्व। तो ये 12 आ गया, 12 में 6 गया तो अपना आ जाएगा अपना कितना, 6, और 12 में से 8 गया तो 4, और 12 में से 10 गया तो 2, ठीक है? इन सब के प्राइम फैक्टर्स कर देते हैं। ये 12 12 देखो, 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 12 का हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ऐसे ही 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 6 के करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा 3 बार, 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार, तो ये आया 2 मल्टीप्लाई 3। इस 4 के करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2, और इस 2 के तो 2 ही रहेगा, ठीक है? तो ये 2 का पेयर बन गया। अब ये जो जो पेयर बन गया वो बाहर ले लेते हैं। एक ये 3 का पेयर बन चुका है, तो एक 3 इन दोनों में से बाहर, एक 2 इन दोनों में से बाहर, और एक 2 इन दोनों में से। अपना आंसर आएगा 2 2 जो 4, 4 3 जो 12, 12 3 जो 24 स्क्वायर यूनिट। तो ये अपना हो जाएगा आंसर। तो दैट इज हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर यूजिंग हीरोंस फॉर्मूला, ठीक है? तो अब जो क्वेश्चन है अपना 12.1 का, वो क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। मैं इसको जल्दी से रब करता हूँ, ठीक है? तो फिर उस क्वेश्चन पे अपन कंसंट्रेट करेंगे, और हीरोंस फॉर्मूला का यूज करके अपन ट्रायंगल वगैरह का जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा होगा वो एरिया अपन फाइंड करेंगे, ठीक है? तो चलो, तो चलते हैं सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 पे। 12.1 एक्सरसाइज है अपनी, ठीक है? और फर्स्ट यूनिट तो आपने कर ही ली होगी, ठीक है? फर्स्ट यूनिट की वीडियो मैंने आपको भेज दी थी। तो चलो, 12.1 ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या बोला, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है? इक्विलेटर ट्रायंगल के शेप में एक बोर्ड है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है स्कूल अहेड, मतलब आगे स्कूल है, धीरे चलो, है ना, गो स्लो, ठीक है? जिसके साइड ए है। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोंस फॉर्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180। पेरीमीटर कितना आ रहा है इसका, 180 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, सिग्नल बोर्ड का इसका एरिया निकालना है अपने को। इस ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका अपने को एरिया निकालना है। तो अपने को पता है, सबसे पहले हीरोंस फॉर्मूला यूज करने के लिए अपने को इसकी साइड पता होनी चाहिए,
और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो पेरीमीटर अपना 180 दे रखा है, पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम। तो साइड इसकी एक जो साइड होगी वो कितनी आएगी, 180 डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 3 6 18, 60 सेंटीमीटर की एक साइड होगी। तो तीनों टोटल मिला के 180 की हो जाएगी, ठीक है। चलो तो अब फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर को तो अपने को पता है ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड को ऐड किया डिवाइड बाय 2, तीनों साइड का ऐड होता है 180 डिवाइड बाय 2 किया तो अपना आ गया 90 सेंटीमीटर। अब क्या करना है अपने को, अब अपने को करना है हीरोंस फॉर्मूला लगाना है। तो अपन लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी ये एस माइनस सी। चलो अब देखो एस लिखा, एस अपना कितना आया है 90, तो मैं लिखता हूँ 90, फिर 90 में से 60 माइनस करेंगे, फिर ये 60 फिर ये 60 है ना, तो 90 माइनस 60, दूसरा भी 90 माइनस 60, तीसरा भी 90 माइनस 60, ठीक है। तो ये अपना आया 90 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30, अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब अपने को क्या इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल के पेयर बनाने थे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको इस क्वेश्चन को और भी इजी करना है तो ऑलरेडी जो पेयर बन रहा है ना उसको बाहर ले लो, जैसे ये 30 का पेयर ऑलरेडी बना हुआ है तो इसके प्राइम फैक्टर ना करके अपन सीधा 30 बाहर ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा फिर जो अंदर बच गया, देखो यहाँ 10 है, 10 मतलब 10 और यहाँ भी 10, तो ये 10 का पेयर बन रहा है तो एक 10 अपन बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो अंदर रूट में क्या क्या बचेगा, एक तो ये 9 और एक बचेगा ये 3, ठीक है। अब अपने को पता है, अब कर लेते हैं प्राइम फैक्टर। तो 9 का प्राइम फैक्टर होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो एक 3 ये पेयर बन के बाहर आ गया, तो अपना आंसर आ जाएगा 900√3। अब ये जो भी सेंटीमीटर में था या मीटर में था वो मैं देख लेते हैं, क्वेश्चन में 180 सेंटीमीटर है तो ये आ जाएगा अपना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। आप यहाँ पे जो स्टेप है ये वाली स्टेप, इन सबको मल्टीप्लाई करके फिर इसका स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टर निकालोगे तो भी तुम्हारा फिर यही आंसर आएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन इसको इजी करने के लिए अपन ने पहले ही जो पेयर बना वो पहले ही बाहर ले लिया 30, और यहाँ 10 का पेयर बन रहा था वो 10 बाहर ले लिया, ठीक है। फिर 9 और 3 बचा, फिर इनके प्राइम फैक्टर कर लिए, फिर एक पेयर 3 का और बना वो बाहर आएगा 3, तो 3 3 900 हो जाएगा, ये अपना आ गया आंसर, ठीक है। चलो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ ए फ्लाईओवर, एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर तो जानते ही हो ना, फ्लाईओवर क्या होता है जहाँ से गाड़ियाँ वगैरह ब्रिज टाइप में मान सकते हो इसको, ठीक है। फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट का के लिए उसका यूज हो रहा है, ठीक है। द साइड ऑफ वॉल्स आर 122 मीटर 22 मीटर एंड 120 मीटर। जैसे यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये है तुम्हारा ये जो इधर वाली साइड है, एक है इधर वाली साइड, ये तुम्हारा फ्लाईओवर है, ये ब्रिज टाइप में, ठीक है। यहाँ नीचे से बीच में भी रास्ता जा रहा है बीच में से, ठीक है। तो ये जो अपना ट्रायंगल है इसके बारे में अपने को ये साइड दे रखी है, इसके तीनों साइड, ठीक है। अच्छा द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर ईयर, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, वन ईयर में वो ₹5,000 अर्न करता है 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है। ए कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ, कितने मंथ के लिए हायर किया उसने, ओनली 3 मंथ के लिए, हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो ये कितना रेंट पे करेगी। तो सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा इसका एरिया, ठीक है। एरिया को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 से, तो वो वन ईयर का रेंट आ जाएगा, और वन ईयर के रेंट को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 मंथ का आएगा, फिर मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। चलो आराम से करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले अपन निकालते हैं सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए तीनों साइड इसमें गिवन है, एक तो 122 है, एक 22 है, एक 120 अपॉन 2, तीनों को ऐड करते हैं, तो ये 2 2 4 आ गया लास्ट में, ये 2 2 4 2 6, ये 1 2 2 64 अपॉन 2, तो 132 मीटर, ये आ गया अपना सेमी पेरीमीटर।
ठीक है, सेमी पेरीमीटर आ गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या चल गया इसमें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अपन निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला शायद मैं चलो लिख देता हूँ एक बार और, अगली बार बिल्कुल नहीं लिखूंगा तो ध्यान से देखना, ठीक है। बस वैल्यू पुट करो, एस एस की वैल्यू है 132, फिर 132 में से 122 माइनस कर देंगे, फिर 132 में से दूसरी साइड 22 माइनस कर देंगे है ना, और फिर 132 में से तीसरी वाली साइड माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 132 मल्टीप्लाई 132 में से 122 माइनस किया तो 10 आ जाएगा है ना, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। अच्छा फिर मल्टीप्लाई 132 में से 22 माइनस करो तो ये आएगा 0 1 1 110, फिर 132 में से 120 माइनस करो तो लास्ट में 2 बचेगा, 3 में से 2 गया 1, 12 आ गया, ठीक है। अच्छा चलो अब आराम से कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये 0 और ये 0 डबल 0 है ना, उसका एक तो 10 बाहर आ ही जाएगा, बाहर ही ले लो, ठीक है, क्यों फालतू में लफड़ा किया। तो क्या क्या बच गया, ये 132, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ ओनली 11 बचा, यहाँ ओनली 12 बचा। अब इनके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 132 के प्राइम फैक्टर तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 6 12, और फिर 1 बचेगा 2 6 12, 2 से डिवाइड 33, 3 से डिवाइड 11, तो यह आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। फिर 11 का तो 11 ही रहेगा, और जो 12 है 12 का भी कर लेते हैं, तो 12 का आएगा 2 6 12 2 3 6 3 1 3, तो क्या आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। चलो अब आगे कर लेते हैं इसको है ना, तो अब बाहर ले लेते हैं जो जो पेयर बन गए हैं, ये देखो 2 का पेयर बन गया, ये देखो 11 का बन गया, और ये 2 का बन गया, ये 1 3 का बन गया, और अंदर कुछ बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, तो सारे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 2 6 6 2 12, 12 को जब अपन 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को 11 से तो ये आ जाएगा 132, और ये 0, तो ये आ गया तुम्हारा मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया ट्रायंगल का। अब तक अपन ने जो निकाला है वो क्या निकाला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो 1320 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया है। तो 1 ईयर का रेंट कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई कर दो ये 5000 से, ये 1 ईयर का रेंट निकलेगा, ठीक है। अच्छा फिर चलो पहले ये एक काम करो, सीधा ही आंसर करते हैं, कैसे सीधा निकालना है अपने को 3 मंथ का रेंट, ठीक है, तो ध्यान से देखना, रेंट फॉर 3 मंथ्स, ठीक है, मैं पूरी कैलकुलेशन एक बार में ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जैसे 1320 मीटर स्क्वायर है, अगर मैं इसको 5000 से मल्टीप्लाई करूंगा, इससे 5000 से, तो 1 ईयर का रेंट आएगा, कितने ईयर का, 1 ईयर का, तो मैं इसको डिवाइड बाय 12 करूंगा तो 1 मंथ का रेंट आ जाएगा, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई 3 करूंगा तो 1 मंथ को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 मंथ का रेंट आ जाएगा, तो अपनी ये बनेगी कैलकुलेशन। अब इसको सोल्व कर दो, 3 4 12, 4 से डिवाइड कर, 4 से कैंसिल करो इसको, इसको 4 1 4 4 3 12, तो ये तुम्हारा फिर 4 3 12 330, तो ये 1 2 3 4 4 0, तो ये हो गए, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 1 कैरी 5 3 15 60, तो ये तुम्हारा आ गया है 3 मंथ का रेंट, इतना उस कंपनी को पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन ने कुछ नहीं किया, जो ट्रायंगल दे रखा था उसके हिसाब से अपन ने एरिया निकाला, मल्टीप्लाई 5000 से 1 ईयर का रेंट आया, डिवाइड बाय 12 से 1 मंथ का, और फिर मल्टीप्लाई 3 कर दिया तो 3 मंथ का रेंट आ गया, ठीक है। चलो फिर ऐसे ही चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देख लो, देयर इज ए साइड स्लाइड इन ए पार्क, पार्क में एक स्लाइड है, वन ऑफ द साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन द सेम कलर विद ए मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, ये देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा इफ द साइड्स ऑफ वॉल, ये साइड दे रखी है अपने को 15 11 और 6, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर, जो कलर में पेंट किया गया एरिया है वो एरिया अपने को फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे एरिया, चलो तो ओह माय गॉड, ठीक है, तो एरिया निकालना है अपने को, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर अपने को पता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है, तो तीनों साइड को मैं ऐड करता हूँ
11 प्लस 15 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आएगा, 11 और 15 कितना होगा 26 और 6 32 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 16। तो मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज पेंटेड इन कलर, तो फॉर्मूला क्या है वो लिख देता हूँ पहले, तो एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर अपना आया 16, ठीक है ठीक है। तो फिर 16 में से अब पहली वाली साइड माइनस करो, पहली वाली साइड चलो पहले 15 माइनस कर देते हैं, फिर अपन 11 माइनस कर देते हैं 16 में से, और फिर अपन 6 माइनस कर देते हैं, ठीक है, और इसको सोल्व कर देंगे। तो ये आया 16 मल्टीप्लाई ये 1 आया इनटू ये 16 में से ये 11 आया ना, तो कितना बचेगा 5 मल्टीप्लाई और 16 में से 6 गया तो 10। चलो प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, तो ये 16 है, 16 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2, 2 1 जा 2, है ना। तो 2 कितनी बार आया 4 बार, 1 तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, ये 5 का 5 ही रहेगा और 10 का 5 इंटू 2 आएगा, ठीक है। अब पेयर बना लो, एक तो 2 का ये बन गया, एक 2 का ये बन गया, एक 5 का ये बन गया, और ये वाला जो 2 था वो अंदर बच ही गया सेम, तो ये हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना 5 टू जै 10 टू जै 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ चुका है 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा कैलकुलेशन कर लेना एक बार दोबारा से, ठीक है। अच्छा तो ये अपना एक बार दोबारा से कर लेता हूँ, तो जैसे 15, 11 और 6 था तो तीनों को ऐड करेंगे तो 15 और 11 होगा 26 और 6 होगा 32, 16 आ गया, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6, तो ये आएगा 1, ये 5 और ये 10, ठीक है। तो 10 तो बाहर आ गया, 20 रूट 2, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10 एंड पेरीमीटर इज 42। देखो एक ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना है, उनमें से उसकी दो साइड अपने को गिवन है, एक तो है 18 एक है 10, तीसरी वाली अपने को पता नहीं लेकिन पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर कितना है 42 सेंटीमीटर। तो अपने को पता है पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का एड, तो तीनों साइड के एड में से अगर मैं दो साइड माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, तीसरी साइड आ जाएगी ना। तो मैं ये तीसरी वाली साइड निकालने के लिए क्या करूंगा, 42 माइनस इन दोनों का ऐड कितना होता है 28, तो 42 में से 28 में माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ 12 में से 8 जाएगा तो 4, 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो तीसरी साइड है, थर्ड साइड जो है वो अपनी 14 आ जाएगी, ठीक है, थर्ड वाली साइड 14 आ जाएगी। तो चेक भी कर सकते हैं यहाँ तीनों साइड को ऐड करके, 18 10 और 14, तो ये आएगा 8 4 12 1 कैरी, तो 1 2 3 4 42 अपना पेरीमीटर है 42, ठीक है। तो ऐसे ही करके अपन चेक भी कर सकते हैं, तो ऐसे ही अपने को थर्ड साइड निकालनी पड़ेगी, फिर अपन इसके एरिया की बात करेंगे। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर, तो सेमी पेरीमीटर के लिए तीनों साइड ऐड, तो 18 प्लस 10 प्लस 14 अपॉन 2 मतलब ये 42 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 21, ठीक है, ये आ गया अपना सेमी पेरीमीटर। अब एरिया निकाल दो, एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओ स्क्वायर रूट ऑफ एस, अब मैं फॉर्मूला नहीं रख रहा हूँ डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ, एस की वैल्यू है 21, फिर आएगा अपना 21 माइनस 14 कर देते हैं, फिर 21 में से अपन 10 माइनस कर देते हैं, फिर 21 में से 18 माइनस कर देते हैं, ठीक है। चलो तो सोल्व कर लेते हैं इसको, तो ये आया 21 मल्टीप्लाई ये 7 आएगा मल्टीप्लाई ये कितना आएगा 11 और मल्टीप्लाई तो ये आएगा तुम्हारा 3, ठीक है। तो 21 है उसके प्राइम फैक्टर 7 मल्टीप्लाई 3 होंगे, डिवाइड करके देख लेना एक बार 3 से होगा एक बार 7 से बस, ठीक है। 7 का तो 7 ही है, 11 का 11 ही है, 3 का 3 ही है, ठीक है। तो यहाँ 7 का एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया यहाँ 3 का, और रूट के अंदर 11 अकेला बच गया, तो ये आ गया 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है।
तो इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, सारे लगभग तुम कर सकते हो इजीली, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा आपको लेंथी लग सकता है, थोड़ा अटपटा लग सकता है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो देखते हैं। साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो, ये रेशियो दे रखा है। जब अपने बहुत से क्वेश्चन किए हैं जिसमें रेशियो गिवन होता है तो अपन उनको एक्स करके फिर मान लेते हैं। तो कैसे मानेंगे, लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर, ये 12:17:25 गिवन है, तो उनकी साइड को 12x, 17x एंड 25x, ये अपन ने मान ली है। पैरीमीटर अपने को 540 गिवन है, तो यहाँ से अपन इजीली इन साइड को निकाल सकते हैं। पैरीमीटर 540 है, मतलब तीनों साइड का ऐड, 12x + 17x + 25x इज इक्वल टू 540। चलो ऐड कर देते हैं, ये 12 और 17, चलो तीनों का एक साथ कर देते हैं, ये 2, 7, 9, 9 और 5, 14, 1 कैरी हो गया, 2, 3, 4 और 1 कैरी वाला 5, तो 54x इज इक्वल टू आ गया 540। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा 540 डिवाइड बाई 54, तो ये कैंसिल होगा 10 टाइम्स, ठीक है। ऐसा अपन ने क्यों किया, क्योंकि अपने को साइड नहीं पता कितनी कितनी है, साइड का रेशियो पता है लेकिन साइड एक्चुअल में नहीं पता कितनी कितनी है, तो इसलिए अपन ने इनको 12x, 17x, 25x माना। फिर अपने को पता है पैरामीटर 540 है, तो तीनों का ऐड इज इक्वल टू 540, यहाँ से x की वैल्यू आई। अब x की वैल्यू आ गई तो एक बार 12 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार 17 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार 25 से, और तीनों साइड अपनी तैयार है। तो तीनों साइड्स क्या होंगी, एक तो होगी तुम्हारी 120, ये 120, 17 को 10 से करेंगे तो 170 और 25 को 10 से करेंगे तो 250। अब इसका अपन एरिया निकाल देंगे, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले निकालेंगे अपन सेमी पैरीमीटर, सेमी पैरीमीटर के लिए तीनों साइड का ऐड और डिवाइड बाय 2, तीनों साइड का ऐड कितना होगा 540 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 2 2 4 2 7 14 270, ये आ गया तुम्हारा सेमी पैरीमीटर। तो एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। एरिया निकालने के लिए एस, फिर एस में से पहली वाली साइड माइनस कर देते हैं 120, फिर एस में से दूसरी साइड माइनस कर देते हैं 170, फिर एस में से थर्ड साइड माइनस कर देते हैं जो कि है 250। चलो अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये आ गया अपना 270 मल्टीप्लाई 270 में से 120 माइनस करेंगे तो जीरो, ये जीरो में से जीरो माइनस जीरो, 7 - 2 होता है 5 और 2 - 1 होता है 1, तो 150। और ये 270 में से 170 माइनस होगा तो 100 बच जाएगा, मल्टीप्लाई 270 में से 250 माइनस होगा तो 20 बच जाएगा, ठीक है। अब तुम ये ध्यान रखो, ये 1020 लास्ट में 3405 है, ठीक है, तो 50 है, 5 नहीं, अपन 40 की बात कर लेते हैं, 1 2 3 4, 40 का 100 बाहर आ जाएगा। अपने को पता है जैसे 20 वाला 100 है रूट में, तो उसका रूट कितना होता है 10 का दो ही तो पेयर बन गए, ठीक है, मतलब ऐसे बोल सकते हो ये 10 का एक पेयर बन गया और एक पेयर यहाँ 10 का बन गया, ठीक है, तो ऐसे अपना 100 बाहर आ गया, ठीक है। तो क्या क्या बचा, 27, ऐसा अपन ने इसलिए किया ताकि इस क्वेश्चन को और भी इजी लिख सकते हैं, इजीली कर सके हैं अपन, ठीक है। तो ये 40 अपने बाहर आ जाएंगे सीधे, 40 के 20 अपने बाहर आ जाएंगे पेयर बन के, ठीक है। अब इसको सोल्व अपन इजीली कर सकते हैं, तो ये 100 आया, 27 का अगर अपन रूट निकालेंगे, ये सॉरी प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 9 = 27, 3 3 = 3 1 = मतलब 3 3 बार आएगा, 3 × 3 × 3, और जब 15 का करेंगे तो 3 × 5 होता है, और जब 20 का करेंगे तो 2 × 2 × 5 होता है। ये तुम कर सकते हो आराम से, ऐसे ही कर लेना, जैसे 20 का 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से फिर 5 से होगा, बना जाएगा लास्ट में तो 2 × 5, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब पेयर बना लो जो जो है, एक तो ये 3 का पेयर बना, एक इस 3 का पेयर बन गया और एक इस 5 का पेयर बन गया और एक इस 2 का पेयर बन गया, यहाँ तक ठीक है, यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है लग रहा है मेरे को वैसे, हाँ ना सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
और एक ये टू का पेयर बन गया। तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 2 = 10, 3 × 3 = 9, तो ये आएगा 9000, है ना। 2 0 ये रहा, 5 × 2 = 10 ये हो गया, 3 × 3 = 9, तो 9000 सेंटीमीटर है या मीटर है जो भी है वो उसका स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया इसका, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले तो इसमें साइड निकाल ली, 12x 17x 25x, माना इनको प्लस करके इज इक्वल टू पेरीमीटर 540 की बनता। तो अपन ने साइड निकाल ली, उससे साइड निकालने के बाद अपन ने एरिया निकाल दिया हीरोज फॉर्मूला का यूज करके। 6 वाला क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल ईजी है, ठीक है। तो 6 वाला क्वेश्चन देखो, 6 वाला क्वेश्चन है, एन आइसोसेल्स ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना है? 30 सेंटीमीटर। आइसोसेल्स ट्रायंगल है मतलब उसकी दो साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है। ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12, मतलब इक्वल साइड जो है वो 12 12 की है। तो ये तीसरी साइड कितनी होगी? अपने को पता है पेरीमीटर कितना है, 30। थर्ड साइड कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर में से दोनों साइड माइनस कर देंगे, 12 12 24 माइनस हो जाएगा, तो थर्ड वाली साइड आएगी अपनी 6, ठीक है। तीनों को ऐड करके देखेंगे तो अपना 30 आ रहा पेरीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए सिंपल सी बात है। तो ये आएगा सेमी पेरीमीटर 12 + 12 + 6 / 2, और तीनों का ऐड होता है 30 / 2, मतलब 15 अपना आ गया सेमी पेरीमीटर, ठीक है। फिर अपन एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ, चलो लास्ट वाले में लिख देता हूँ फॉर्मूला, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस आता हूँ एस माइनस सी, ठीक है। चलो तो वैल्यू रखो, एस की वैल्यू ये अपनी निकली है 15, तो ये 15 माइनस ए मतलब 12 माइनस कर देता हूँ, फिर 15 माइनस 12 और तीसरी साइड 15 माइनस 6, ठीक है। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 15, ये मल्टीप्लाई 3 और ये मल्टीप्लाई 3, और 15 में 6 माइनस होगा तो 9, ठीक है। अब सबके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, ये 3 वैसे पहले ही बाहर ले सकते हो तुम, तो ओनली बचा 15, 15 के प्राइम फैक्टर 3 × 5, और ये 9 बचा 3 × 3, तो एक 3 ये बाहर आ जाएगा, तो बाहर हो गया तुम्हारा 9√15 सेंटीमीटर है या मीटर स्क्वायर जो भी, ठीक है, ये तुम्हारा आ गया आंसर, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल, ठीक है, यूजिंग हीरोज फॉर्मूला इफ वी नो अबाउट द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। आई होप दिस वीडियो इज वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।